भुवनेश्वरी देवी मंदिर का रास्ता है ये, देखो पूरा टूटा है, वैसे तो मतलब बना हुआ है लेकिन सिंगल रास्ता। हेलो दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं पुंडल गांव जो संगम के पास ही है, देवप्रयाग संगम, उस पर जो पौड़ी का रास्ता कटता है उससे आके एक मंदिर है, पुंडल गांव में पड़ता है और वो बिल्कुल लीक से हटकर है। आपको मंदिर दिख जाएगा लेकिन वहां तक आने का रास्ता बिल्कुल पहाड़ों में जाते हैं, सिंगल रोड वैसा रास्ता है। अब यहाँ से जाएंगे और वो है मंदिर, लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा हमें। अभी हम मंदिर जाएंगे, ये हम मंदिर जाने का रास्ता है, कुंडल गांव में पड़ता है। इतना बढ़िया रास्ता है, बिल्कुल सुकून भरी जगह है ये, बिल्कुल शांत शांत वातावरण, क्योंकि ये जो देवप्रयाग में संगम है थोड़ा ऊपर हटके मंदिर है कुंडल गांव में। ये है बूंगे, देसी बूंगे इसमें होते हैं, इसमें पशुओं का चारा रखा जाता है जैसे भूसा या घास वगैरह। हमारे गांव में तो इसमें तोड़ा भरा जाता है ऐसे बूंगों में, जिसे पशुओं के लिए रखा जाता है। देखो पहाड़ी का है, बिल्कुल छोटे छोटे पैर हैं इसके, क्योंकि पहाड़ों पे ना ऊपर नीचे उतरना और चढ़ना पड़ता है, छोटे पैर होने की वजह से इन्हें ऊपर नीचे उतरने चढ़ने में आसानी रहती है। चलो ये बार तो मुझे देखकर डर गई थी ये गाय और इधर उधर भागने लगी थी, लेकिन फिर शांत हो गई है। कहाँ है तो हमसे डर गई। ये पूरा पक्का रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे आने जाने में आसानी होती है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ऐसा माना जाता है कि 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ स्थान पर माँ भुवनेश्वरी देवी का स्थान है। जय माँ भुवनेश्वरी देवी। कुंडल गांव देवप्रयाग उत्तराखंड। मंदिर के कपाट बंद हैं इसलिए मैं अंदर से वीडियो नहीं बना सकता हूँ। माँ भुवनेश्वरी देवी को संसार की देवी भी कहा जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि सबको त्रिभुवन व्याप्ता भुवनेश्वरी देवी से ही अन्न मिल रहा है। जहाँ मंदिर स्थित है उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और आपको आनंद आएगा ऐसे स्थान पर आकर, एक बार अवश्य आए। और आगे वो है संगम, वो बाजार देख रहे हैं ना आगे, उधर है संगम और ये अलकनंदा नदी है। और अभी हम हैं भुवनेश्वरी देवी माता मंदिर, जिसके कपाट बंद है लेकिन ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु और मधु कैडव नामक दैत्यों के बीच युद्ध हुआ था जो बहुत लंबा चला था। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया महामाया शक्ति से सहायता ली थी और उन राक्षसों का वध किया था। वहाँ पर बहुत पानी पानी हो गया था, जिसके बाद देवी उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गई थी जहाँ पर पानी नहीं था और मनमोहक दृश्य था। वहीं पर इन्हें भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी को माँ भुवनेश्वरी देवी के दर्शन हुए थे तथा वहीं पर उन्हें संसार की देवी के रूप में मान्यता दी गई थी। ये है वो गांव और वो पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ तक गाड़ी भी पहुँच सकती है। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखो उधर गाड़ी है और ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है ये मंदिर, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा गांव के बीच में से। और ये वो गांव पुंडल गांव और देवप्रयाग के पास पड़ता है ये। जय महादेव। यह भुवनेश्वर महादेव जी का मंदिर वहीं पर पुंडल गांव में ही है।